एक गाना हम गाए थे बहुत पहले, वही गाना जो चला वायरल हुआ ज्यादा, कि जयराम दादा करे उल गुलान दादा सुना हो 60-40 ना चला तो। ऐसा पार्टी है जेलकम पार्टी, और यहाँ कि यहाँ गीत गाने के लिए दूसरा पार्टी लोग पैसा देता है, और ये पार्टी जो है खुद जो है से लोग गीत निकालते हैं कि हमारा जो है यूट्यूब में चले, हमारा गाना चलेगा, और चलता भी है। कि सुना हो मुहुलवासी, सुना हो आदिवासी, सुना गो माहे मोसी, सुना हो झारखंड वासी, कि झारखंड के गली गली गूंजे एक नाम रे, कि 24 में बनैहा दादा टाइगर के सरकार रे, 24 में बनैहा दादा टाइगर के सरकार रे। जरूर देखिए, ये बोले ना मदद के रूप में जो देता है, एक मतलब डीजल पेट्रोल के खर्चा बोल लीजिए, डीजल तो नहीं, फोर व्हीलर लेके जाते नहीं है, जहाँ भी जाते हैं टू व्हीलर। तो अच्छा, दो चक्का से ही पूरा झारखंड घूमा। अच्छा, चतरा हो कोडरमा हो, दो चक्का से ही नाप दिए हैं। तो जोहार नमस्कार दोस्तों, अभी हमारे साथ बात करने के लिए देख सकते हैं बबन देहाती, लगातार आंदोलन को एक गीत संगीत के माध्यम से तेज धार देने का काम किया इन्होंने शुरू से लेके, और अभी वर्तमान में विधानसभा चुनाव है, आज भी ये मंच में आते हैं और अपने गीत संगीत के माध्यम से जो पब्लिक आती है जयराम महतो की बातों को सुनने के लिए, उन लोगों को मनोरंजन करते हैं जब तक जयराम महतो का आगमन नहीं होता है। तो चलिए, तमाम चीज़ों को लेकर हम लोग जानेंगे, अब चुनाव का माहौल है किस तरह से, क्या कुछ है, तमाम चीज़ों को बात करेंगे। बबन दा, सबसे पहले जोहार रहेगा। जोहार 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 झारखंड, जय झारखंड। आपके चैनल के माध्यम से सभी जितने आपके श्रोतागण हैं सबको जोहार। आज केंद्रीय अध्यक्ष और पूजा महतो दोनों का नामांकन है, और आज महासभा में महासभा भी है, आप भी यहाँ पे पहुंचे हुए हैं, क्या लग रहा है इस बार का माहौल, आपको क्या लग रहा है? देखने वाली बात है, पूरा माहौल ही गर्म है, और जितने भी विधानसभा में जेएलकेएम पार्टी का उम्मीदवार खड़ा हुए हैं, तो सारी विधानसभा में जेएलकेएम पार्टी का जो है मजबूत दावेदारी है। पूरा झारखंड में आप कितना विधानसभा क्षेत्र अभी तक गए होंगे जयराम महतो का, जहां जहां सभा होता है हर एक सभा में कहीं ना कहीं आप पहुंचते हैं, लगभग कितना विधानसभा क्षेत्र आप घूमे होंगे इस आंदोलन के दौरान में? लगभग 50 से प्लस, 50 प्लस विधानसभा, 50 प्लस एकदम, चतरा से लेकर कोडरमा से लेकर आपके गिरिडीह, धनबाद, बोकारो, रांची से लेकर आपका जितना रामगढ़, घूम ही लेते हैं। पहले भी आपका गाना गाने का ऐसा शौक था, या फिर जयराम महतो आए फिर आंदोलन में आप लोग, आपने उन्हें देखा, फिर आपका एक गाना काफी ज्यादा वायरल हुआ, थोड़ा आप गाना 60-40 वाला थोड़ा आप गाना गुनगुना? नहीं, पहले भी गाते थे, पर जो जयराम महतो जी हमारे जो सुप्रीमो है जेएलकेएम पार्टी के, वो जो भाषा माटी संस्कृति का जगाने का काम किए हैं, ये समझिए कि इतिहास रचा है और इतिहास के पन्नों में दर्ज रहेगा ये चीज। तो एक गाना हम गाए थे बहुत पहले, वही गाना जो चला वायरल हुआ ज्यादा, कि जयराम दादा करे उल गुलान दादा सुना हो 60-40 ना चला तो, कि देवेंद्र दादा करे उल गुलान दादा सुना हो 60-40 ना चला तो, कि 60-40 ना चलत 60-40 ना, 60-40 ना चलत 60-40 ना, कि पूजा महतो करे उल गुलान दादा सुना हो 60-40 ना चला तो। अच्छा, क्या लगा आपके मन में? ऐसा बहुत सारे ऐसे गायक हैं जो अपना कैसेट वगैरह बनाते हैं, यूट्यूब वगैरह में काम कर लेते हैं, लेकिन जयराम महतो का ही मंच में जाना और जयराम महतो को लेकर ही झारखंड के लोगों को जगाने का काम आप गीत संगीत के माध्यम से लगातार कर रहे हैं, कहीं ना कहीं जो लोग आंदोलन कर रहे हैं इस पार्टी में, जो उनकी जितनी भूमिका है कहीं ना कहीं आपकी भी उतनी भूमिका है। जरूर जरूर, देखिए ये जो हम लोग जो पहले से समाज से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, और समाज से जुड़ना यानी समझिए कि अपना समाज हो, अपना जिला हो, अपना गांव हो, अपना राज्य के बारे में, अपने देश के बारे में बेहतर सोचते हैं। तो टाइगर जयराम महतो जो है सो हम लोग के राज्य के लिए, झारखंड के लिए वो बढ़िया सोच रखे। आज जो इतने पब्लिक उनके पीछे हम लोग हैं, साथ दे रहे हैं, तो क्योंकि कहीं ना कहीं वो हमारे झारखंड राज्य के लिए, झारखंड के लिए सही सोचे, भाषा माटी हो, चाहे अधिकार की बात हो, चाहे विस्थापित की बात हो, तो वही लेके जो है उनका हम सहयोग करते हैं, उनके मंचों में जाके हम एक बोले ना मनोरंजन बोल लीजिए, चाहे जागरूक लोगों को जागरूक करते हैं, और उनको जो है इसी मदद देने का कोशिश करते हैं। क्या बबन जी को ऐसे मंच में आते हैं तो उनको क्या कुछ कहा जाए, पार्टी के कार्यकर्ता के द्वारा, या फिर पार्टी के अध्यक्ष के द्वारा, या फिर किसी तरह का पैसा हो, ऐसा किस तरह से आप मैनेज करते हैं? कहा कि हर क्षेत्र में जाते हैं, तेल पानी वगैरह, खाना पीना सारा चीज का व्यवस्था भी आपको करना पड़ता है? जरूर जरूर, देखिए ये बोले ना मदद के रूप में जो देता है, एक मतलब डीजल पेट्रोल के खर्चा बोल लीजिए, डीजल तो नहीं, फोर व्हीलर लेके जाते नहीं, जहाँ भी जाते हैं टू व्हीलर। अच्छा, दो चक्का से ही पूरा झारखंड? हाँ हाँ,
चतरा हो कोडरमा हो दो चक्का से ही नाप दिए हैं। तो कहने का मतलब उसको पेट्रोल खर्चा कहीं मिला तो सही, नहीं मिला क्योंकि चंदा उंदा कहीं होता है तो मिलता है ना, नहीं होता है तो वहाँ जो सपने भर के भी जाते हैं और झारखंड जगाने का काम से निकले हैं तो कुछ तो। अच्छा, बहुत सारे जो भी आंदोलन कर रहे थे या फिर पार्टी में बहुत पहले से जुड़े थे वो लोग का मन में था कि हम लोग चुनाव लड़ेंगे, बाबन जी भी क्या कभी सोचे थे कि जयराम महतो की पार्टी से कभी ऐसा होगा मौका मिले तो हम भी अपना विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे? नहीं, हम सोचे नहीं हैं, सोचे नहीं थे। अगर सोचते तो जरूर गोमिया विधानसभा से फॉर्म भरे रहते, हम फॉर्म भी नहीं भरे। हम सोचे कि हमसे बेहतर कोई आए, जैसे आज पूजा महतो आई हैं तो हमसे बेहतर है क्योंकि राजनीति का जिनको अच्छी समझ है हमको भी समझ है, मगर हम सोचते हैं कि और थोड़ा परिपक्व हो जाएं उसके बाद जब जेलकम पार्टी चाहे, सुप्रीमो चाहे, पब्लिक जनता चाहे तो जरूर आएंगे। आपका कौन सा विधानसभा क्षेत्र? गोमिया विधानसभा। गोमिया ही पड़ता है? हाँ, गोमिया। गोमिया में प्रत्याशी फेरबदल हुआ, पूजा महतो बाद में आई, पहले अमरीश महतो को प्रत्याशी बनाया गया था, तो पूजा महतो कैसी कैंडिडेट है गोमिया के लिए आपके हिसाब से? नहीं, बेहतर है। देखिए, अमरीश महतो जी जो थे हमारे जिला दिया बोकारो जिला के, वो भी खराब नहीं थे, वो भी जो है संगठन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। पर क्या है कि अभी हम लोग का जिस तरह से मोमेंट बना है तो हम लोग का क्या चाहिए कि ये पार्टी में जैसे देखिए ज़्यादा पैसा वाले लोग हैं नहीं जुड़े हुए, तो दूसरा जो है उम्मीदवार पैसा खर्चा करेंगे, पर हम लोग का उम्मीदवार को क्या है फेस वैल्यू बहुत जरूरी रहना है, फेस वैल्यू हो, उसका आवाज़ हो, भाषण देने तरीका हो, यानी जनता को मोह है। और दूसरी बात है कि जनता के बीच में उसका नाम पहले से ट्रेंड में, वो झारखंड में पूरे, तो इसीलिए जो है सो इसमें हम भी थोड़ा सा क्या बोलते हैं आग्रह किए थे जयराम जी दास से कि दादा आप जो है कोशिश करिए कि यहाँ उम्मीदवार वैसा मिले, है ना। तो उम्मीदवार तो कोशिश था कि पूजा ही मिलने का, किसी कारणवश जो उनको मिला तो फिर जो है पूजा जी मिला, तो इसमें किसी नाराजगी नहीं होना चाहिए। एकदम जितने जेलकम पार्टी के पदाधिकारी तमाम हैं सब एकता होकर काम करें और गोमिया का एक बदलाव हो, गोमिया में एक नया विधायक अपना जो पूजा महतो जो है जेलकम पार्टी का बने तो हम लोग युवा जो है आगे बढ़ने का काम करें। बहुत सारे जेलकम के प्रत्याशियों का आज नामांकन है, देवेंद्र दा भी रांची में आज नामांकन करवा रहे हैं, मोतीलाल दा भी आज नामांकन करवा रहे हैं, आपको फोन भी आया होगा, बुलाए भी होंगे? जरूर जरूर, जो है सो मोती दा का आज जो है धनबाद से मेहर बुलाए थे, पर हम बोले दादा हमारा खुद जो है सो यहाँ पे है अपना क्षेत्र में, और कल जो है सो हम बगोदर में रहेंगे, सरिया में बगोदर विधानसभा डॉक्टर सलीम अंसारी का है नामांकन, तो जहाँ तक अपना था इसीलिए जो है सो रहना भी जरूरी है अपना विधानसभा। थोड़ा राजनीतिक के बारे में जानकारी दे दीजिए, जो विपक्ष की पार्टियां हैं आपके गोमिया विधानसभा क्षेत्र से जो जेएलकेएम के विपक्ष में रहेंगी, यानी जेएमएम और आसू जो लमोदर महतो हैं, कैसा माहौल रहना? लोग कहते हैं कि ये लोग जो जेबीकेएसएस की जो पार्टी है ना, इसके पास संगठन है ना इसके पास लोग हैं, ये लोग कैसे चुनाव लड़ेंगे, इस तरह के लोग कहते हैं? नहीं, एक चीज़ समझना होगा कि हम लोग पार्टी ये जो बोलते हैं ना सही बोलते हैं कि हम लोग पार्टी में संगठन जो है सो जनता ही है, हम लोग जो है दूसरा पार्टी जैसा वैसा नहीं है कि एक बढ़िया बढ़िया कुर्ता पैजामा लन पन झार के जैसे बनते हैं ना, उस तरह नहीं, हम लोग पब्लिक ही समझिए कि अभी जितना भी गांव में हम लोग गांव से जुड़े हुए हैं और गांव में भी हम देखें कि सारा लोग पब्लिक ही निकाल रहा है, जनता खुद आने के लिए इच्छुक है। और दूसरे पार्टियों में जो है समझिए पैसा दे के तो नाश्ता खाना के लालच में देखे और लोग ला रहे हैं, मगर हम लोग ये पार्टी में जो है खुद आने के लिए इच्छुक रहते हैं, चाहे महिला हो चाहे नौजवान साथी हो, तो हम लोग दोस्तों आने वाला चुनाव इसी तरह से होगा, ज़्यादा दिखावा नहीं, बस वोट के दिन हो जो अपना छाप है कैंची छाप उसमें बस बटन दबाना है, सब अपना मन में विचार लिया है, तमाम पार्टी जो है सबके घर में पहुँच रहा है, सब जो है कह देता है जरूर मगर अंदर से सब सोच लिया है कि भाई अपना जो है सो बस कैंची छाप है जयराम महतो है। चुनाव प्रचार प्रसार को लेकर कुछ गीतें आप लॉन्च कर रहे हैं क्या जयराम महतो के लिए, फिर अन्य जो भी प्रत्याशी हैं, ताकि सावित्री कर्मकार जिस तरह से गाना गाती हैं तो कहीं ना कहीं देखा जाए 70 से 75 उम्मीदवार जेलकम के चुनाव लड़ेंगे, अगर एक एक गाना भी बनाया जाता है तो एक प्रत्याशी के लिए 70-75 गाना बना पाना मुश्किल है, आप क्या कुछ गाना ऐसा सोचे मन में? नहीं नहीं, जरूर जरूर, अभी जाएंगे एक दो दिन में जो है ना जाएंगे, हमारा 8 दिन पहले से आ रहा है, पर कट्ठा जो है हमारे महेंद्र प्रसाद जी को मिला है वहाँ से, भरी से कृष्णा जादव जी हैं, उदय मेहता हजारीबाग से, सब फोन आ रहा है, पर हम बोले थोड़ा सा समय लीजिए आप लोग, नामांकन सब तरह से होने दीजिए और जाएंगे तो निकालेंगे। देखिए अभी तो कलाकार बहुत सारा है, खास करके ये जो है सो ऐसा पार्टी है जेलकम पार्टी और यहाँ कि यहाँ गीत गाने के लिए दूसरा पार्टी लोग पैसा देता है और ये पार्टी जो है खुद जो है सो लोग गीत निकालते हैं कि हमारा जो यूट्यूब में चले हमारा गाना चलेगा, और चलता भी है। और दूसरा पार्टी का आप गाना गाइए नहीं चलने वाला है, तो कहने मतलब तैयारी है, जैसे गाना है हम बहुत पहले जयराम दा के ही, आज इससे सरकार बनाना है झारखंड में उन्हीं को लेकर छोटा सा,
कि सुना हो मुहुलवासी, सुना हो आदिवासी, सुना गो महे मोसी, सुना हो झारखंड वासी, कि झारखंड के गली गली गूंजे एक नाम रे, कि 24 में बनैहा दादा टाइगर के सरकार रे, 24 में बनैहा दादा टाइगर के सरकार रे, कि बना तो सरकार दादा काम हो तो पूरा, 32 खतियान जे रह गलिया दूरा, स्थानीय नीति नियोजन नीतिक मांग हो तो पूरा, उआ के सपना जे रह गलिया दूरा, सुना गो काका काकी, सुना गो चाचा चाची, गोमिया के गली गली गूंजे एक नाम रे, कि 24 में बनैहा दीदी पूजा महतो के विधायक गो, 24 में बनैहा दादा टाइगर के सरकार गो। अच्छा दादा, लास्ट सवाल रहेगा, आप तो लगातार 2-2.5 साल से आंदोलन को धार देने का काम किए हैं, अब आगे आप क्या जयराम महतो की पार्टी के साथ ऐसे ही आप जुड़े ही रहेंगे लगातार, जब तक से जो सपना आप लोग अभी गाने के माध्यम से आपने कहा कि 24 में बनाएंगे मुख्यमंत्री, हो ना हो पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं आप लोग, बने या ना बने, आप लोग की तैयारी फिर आगे 2029 के लिए भी आप लोग ऐसे जयराम महतो के साथ आप जुड़े रहेंगे या फिर कहा जाए ऐसे गीत संगीत की दुनिया में आप जुड़े रहेंगे? देखिए, हम लोग गीत संगीत है, गीत संगीत भी चलता रहेगा, और जो जयराम दा की पार्टी है ये तो एक समाज सेवा का भाव है, और इसमें भी जुड़े रहेंगे, और दूसरा पार्टी जाने बात ही नहीं है, हम तो मतलब एक तरह का प्रण कर लिए कि जब भी आप ये पार्टी से छूटेंगे कभी जीवन में तो दूसरा पार्टी कभी ज्वाइन नहीं करेंगे, चाहे बिना पार्टी के रहेंगे चलेगा, मगर एक जो है और इसमें निकलने की बात ही नहीं है, जब तक विचारधारा कायम रहेगा, जब तक जयराम दा कायम रहेंगे तब तक जो इस पार्टी से जुड़े रहेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, देखते हैं, हमारे साथ बबन दा थे, मौजूद थे, और इनके आपने यूट्यूब के माध्यम से ढेर सारे गाने भी सुने होंगे, कई गाने इनके ट्रेंड में चले हैं झारखंड में, 60-40 का तो गाना काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ, और उसके बाद लगातार जयराम महतो का जहाँ भी सभा होता है मंच पर आते हैं, 2-3 घंटा तक कंटिन्यू लोगों का मनोरंजन करते हैं, साउंड वगैरह का कैसो भी साउंड रहे कोई इनका फरमाइश नहीं रहता है, आराम से 2 चोंगा भी लगा दीजिए, लोगों का मनोरंजन करते हैं और लगातार ऐसे ही आंदोलन को तेज धार देने का काम किए हैं। तो हमने जानने का प्रयास किया कहा कि बहुत सारे लोग आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, लेकिन देख सकते हैं ये 2-व्हीलर से चलते हैं, समझ सकते हैं ये जयराम महतो के संघर्ष के साथी है, ना कि ये गाना गाने वाले हैं, ये आंदोलन को लेकर चलते हैं, और जहाँ भी आंदोलन होता है वहाँ भी पहुँचते हैं, और जहाँ सभा होता है वहाँ भी पहुँचते हैं, और लोगों को जागरूक करने का काम करते हैं। तो बबन दा का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, इनका राय आप लोगों को कैसा लगा, जरूर कमेंट कीजिएगा। खैर, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, सभी को जोहार।